तो गैस आज मैं आपको पहली बार इस टाइप की फोटो एडिटिंग सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए गैस मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आपको वीडियो को मिस नहीं करना है। क्योंकि गैस आपने देखा होगा पिक्सार्ट पर फेस स्मूथ होता है, ऑटोडेस्क पर भी फेस स्मूथ होता है, लेकिन इसी बीच एक सीक्रेट एप्लीकेशन है जो कि आपको पता नहीं है। इसी सीक्रेट एप्लीकेशन का नेम है लाइटरूम। लाइटरूम पर नेक्स्ट लेवल का फेस स्मूथ होता है जो कि आपको ये वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। इसलिए गैस मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड गैस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए गैस बिना देर के वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। ओके सो गाइस सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, आपके जो फोटो को यहाँ पर गैलरी से सेलेक्ट करके लाइटरूम एप्लीकेशन पर इनपुट को लेना है। तो गाइस यहाँ पर मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को सिलेक्ट लेता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट करते ही यहाँ पर लाइटरूम पर इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनपुट हो चुका है। सो अभी गाइस आपको क्या करना है, आपको ऊपर तरफ से आपको इस तरह से स्वाइप करना है और लाइटरूम की नोटिफिकेशन पर टाइप कर लेना है और गाइस आपको ऑल फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको फोटो को टाइप करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर गाइस देख सकते हो लाइटरूम पर पिक इनपुट हो चुका है। सो अभी गाइस आपको फेस को स्मूथ बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हीलिंग टूल पर क्लिक करना है। तो गाइस दिखा देता हूँ, ये रहा हीलिंग टूल का ऑप्शन। सिंपली गाइस आपको ये हीलिंग टूल पर क्लिक करना है और लेफ्ट साइड आपको ये टूल को होल्ड करके रखना है। तो ये टूल को होल्ड करके रखना है एंड गाइस आपको इस तरह से अप डाउन करके साइज को एडजस्टमेंट करना है। तो साइज को आपको रखना है आपको 40 के आसपास। तो गाइस यहाँ पर मैं 41 रख लेता हूँ। तो 41 रख करके यहाँ पर गाइस आपको फोटो को जूम करना है। तो इस टाइप से जूम करके फेस के ऊपर जितने भी बड़े बड़े पिंपल वगैरह दाग धब्बे हैं उसके ऊपर आपको हमें टाइप करना है, ठीक है। तो मैं जैसा टाइप करता हूँ आपको भी वैसा ही टाइप करना है। तो टाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली हट जाएगा। सो इस टाइप से हटने के बाद फेस को स्मूथ करने में और थोड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस ऐसे ही आपको टाइप करके हटा देना है। आपको जहां पर भी बड़े बड़े दाग धब्बे मिलेगा उनको ही टाइप करके गायब करना है, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल यहाँ पर मैं ये टूल को बिल्कुल यूज कर दिया हूँ। अभी गाइस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। तो ये रहा डन का ऑप्शन। सिंपली गाइस आपको ये डन ऑप्शन पर क्लिक करके बैक चलना है। तो गाइस बड़े बड़े दाग धब्बे तो गायब हो चुके हैं लेकिन अभी भी हमारी फेस स्मूथ नहीं हुआ है। लेकिन स्मूथ करने से पहले आपको और एक काम करना पड़ेगा, फेस को थोड़ा गोरा करना है। तो गोरा करने के लिए सिंपली गाइस आपको ये ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा ब्राइटनेस टूल। सिंपली गाइस आपको ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करके एक्सपोजर को प्लस करना है। एक्सपोजर को आपको 2-3 बार प्लस करना है और गाइस आपको यहाँ पर कलर टूल पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं कलर टूल पर क्लिक करता हूँ और कलर टूल पर क्लिक करके वाइब्रेंस को माइनस करना है। तो वाइब्रेंस को माइनस आपको यहाँ पर 33 के आसपास माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं 33 रखता हूँ और गाइस आपको मिक्स टूल पर क्लिक करना है। तो गाइस ये रहा मिक्स टूल का ऑप्शन। सिंपली गाइस आपको मिक्स टूल पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको ऑरेंज कलर पर क्लिक करना है। तो ऑरेंज कलर पर क्लिक करके यहाँ पर सैचुरेशन को माइनस करना है। सैचुरेशन को माइनस करके 37 के आसपास रखना है और लुमिनेंस को उतना ही प्लस करना है जितना आपको गोरा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लस करके 40 के आसपास रखूंगा और यहाँ पर आपको डन करके बैक चलना है। तो यहाँ पर मैं डन करके बैक चलूंगा। सो गाइस आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फोटो को कितना गोरा हुआ है। तो ये रहा V4 एंड आफ्टर। तो बहुत ही अच्छी तरह से गोरा तो हो चुकी है लेकिन अभी भी हमारी फेस स्मूथ नहीं हुआ है। तो स्मूथ करने के लिए आपको जेन्युइन तरीका बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको अभी आपको यहाँ पर स्वाइप करके चले जाना आपको ऊपर ही तरफ, ठीक है। तो गाइस आपको ये टूल पर क्लिक करना है। तो इसी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। तो ये रहा प्लस आइकन का ऑप्शन। सिंपली गाइस आपको ये प्लस आइकन पर क्लिक करना है और गाइस आपको यहाँ पर ब्रश टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा ब्रश का टूल। सिंपली गाइस आपको ये ब्रश टूल पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको लेफ्ट साइड मिलेगा एक टूल, आपको ये जो एड दिखा रहा है इसी टूल पर होल्ड करके रखना है और गाइस आपको ऊपर नीचे आपको इस तरह से करके आपको साइज को एडजस्टमेंट कर लेना है। साइज को रखना है आपको 7 के आसपास और गाइस आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पर फेस को मास्किंग क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करके मास्किंग क्रिएट कर लेता हूँ। सो इस टाइप से ही आपको मास्किंग कर लेना है। तो फुली फेस को कर लेना है, जहाँ पर भी पिंपल वगैरह दिखेगा आपको इस टाइप से मास्किंग क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो फुली फेस को यहाँ पर मैं मास्किंग कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे और क्या करना है, ठीक है। तो बिल्कुल मास्किंग हो चुकी है। सो अभी कैसे आपको क्या करना है, आपको ये टूल पर क्लिक करना है। तो इसी टूल पर क्लिक करके आपको क्या करना है आपको बताता हूँ। ये टूल पर क्लिक करना है और कैसे आपको स्ट्रक्चर को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर को माइनस कर लेता हूँ। माइनस आपको 100 रखना है और गाइस आपको यहाँ पर क्लैरिटी को भी माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लैरिटी को भी माइनस कर लेता हूँ। तो दोनों को माइनस करना है और गाइस यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो फेस स्मूथ हो चुकी है। अगर अभी भी आपको फेस स्मूथ जैसा नहीं नजर आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ब्रश पर क्लिक करना है। तो गाइस आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये रहा ब्रश का ऑप्शन। सिंपली गाइस आपको ये ब्रश पर होल्ड करके रखना है और गाइस आपको यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। तो गाइस ये रहा डुप्लीकेट का ऑप्शन। सिंपली गाइस आपको डुप्लीकेट कर देना है तो दो हो जाएगा। तो दोनों को आपको मैचिंग कर लेना है इस स्टेप से। तो ब्रश को मैचिंग कर लेना है, दोनों मैचिंग हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो लेयर ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो फेस स्मूथ हो चुका है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेयर को भी ऐड करके आपकी फेस को और भी हाई लेवल का स्मूथ दे सकते हो, ठीक है। सो ऐसा ही आपको बना लेना है और यहाँ पर डन करके बैक चलना है। तो गाइस आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा V4 एंड आफ्टर। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो फेस स्मूथ हो चुका है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलेगा मिलता है अगली किस वीडियो में।